गुरु कहते किसको है? जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। गुरु शब्द का विग्रह कहा गया है, गुणातीत परम शिव राजद आदि सब का गुणों का अवरोधन करते हैं। गुरु विश्वासी शिष्य को तीनों गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए वो गुरु है। कौन? जो ईश्वरीय तत्व का बोध कराते हैं, गुरु, जो ईश्वर से हमें मिलाए, वो गुरु तत्व इस ब्रह्मांड का सबसे अलग है। अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए, मतलब गुरु ही साक्षात शिवलिंग है ऐसा भाव समझना चाहिए। गुरु जी की सेवा सुश्रवा, गुरु सेवा में शास्त्र ज्ञान। गुरु सेवा क्यों की जाती है? गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमें ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। और उनकी सेवा से वे अपनी शक्ति से शक्य अथवा अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया हो उसका पालन प्राण धन लगाकर पूर्णतः उस शिष्य को करना चाहिए। सुशील शिष्य को शरीर धारण करने के सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक अपने गुरु को समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर पुनः भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। जिभ्या रूपी लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपना पिता स्वरूप गुरु की सेवा नित्य निरंतर करनी चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता संसार के प्रपंच में पुत्र को डुबाता है और ज्ञान देने वाला गुरु पिता ही है, वो संसार से पार करने के लिए तुम्हें मार्ग बताता है। इसलिए अपने गुरु की आज्ञा मानकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।